कांगड़ा जिले में अवैध रेत खनन माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों में भय व्याप्त है। इनकी गाड़ियां दिन की अपेक्षा रातों को ज्यादा दौड़ती है और अगर किसी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए झूठे आरोपों में फंसाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना के शिकार स्थानीय निवासी विवेक चौबे, जो एक व्यवसायी है, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके पहले भी मोगांव निवासी सौरभ अग्रवाल ने मां नर्मदा में हो रहे अवैध खनन का विरोध किया था तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस प्रशासन को बकायदा शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका भी समाधान नहीं हो पाया। साथ ही अवैध खनन कर रहे लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नाम को लेकर डरा धमका कर गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी के प्रति स्थानीय लोगों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों के मन में डर के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के प्रति घृणा बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी इस अवैध रेत खनन मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों को उचित दंड देकर स्थानीय निवासियों के डर को दूर कर सहायता प्रदान करें। मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ निशिकांत अवस्थी की खास रिपोर्ट।